Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. मस्तूम में हॉलनाक ट्रैफिक हादसा, मंजिल को जाने वाले अब्दी सफर पर रवाना हो गए। बस और वैन में तसादुम से दो पुलिस अहलकारों समेत 13 अफराद जाबहक, 27 जख्मी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मंडी बाउद्दीन में डॉक्टर ने पेशा वाराना अखलाकिया की धज्जियां उड़ा दी। जजगी ऑपरेशन के दौरान खातून और नामालूम की तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर फैला दी। क्या साइबर क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई होगी? अहले खाना के इंसाफ के लिए दुहाई। खातून का इज्तमाई रेप कर दिया गया, पंचायत ने मुलजिमों को माफ कर दिया। पुलिस हरकत में आ गई, रेप में मुलविस 5 मुलजमान और सरपंच गिरफ्तार। 4 मुलजिमों की तलाश में छापे। कराची में 13 खवातीन को छुरी मारकर जख्मी करने वाला आज भी कानून के लंबे हाथों की दस्तरस से बाहर। रात पुलिस ने गुलिस्तान जौहर से एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया। असल मुलजिम कौन अब तक पता ना चल सका। कराची में आज से जुम्मे तक सख्त गर्मी की पेशगोई, हीट वेव का खदशा। पारा 40 से 42 डिग्री तक जा सकता है। शहरी एहतियात बरतें, पानी और मशरूबात ज्यादा इस्तेमाल करें, माहिरीन के मशवरे। धूप में निकलने से गुरेज करें और ठंडे पानी का इस्तेमाल कम करें। दरख्त वगैरह हो तो इसका असर कम से कम हो जाए। जैसे पानी की बॉटल लेके निकले बंदा और धूप से जितना बच सकता है बचे। हुकूमत को अपने सतह में जब इनको पता चल गया तो उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। बहरिया के नए सरबरा एडमिरल जफर महमूद अब्बासी ने कमान संभाल ली। नेवल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में सुबुकदोश एडमिरल जकाउल्ला ने कमान एडमिरल जफर अब्बासी के सुपुर्द की। सुबुकदोश एडमिरल जकाउल्ला ने खिताब में कहा कि पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस अभी खत्म नहीं हुए। वक्त की जरूरत है कि वत्ते अजीज के दिफा के लिए मुत्तहिद रहे। सी पैक अमन और खुशहाली की जमानत है। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ से वफाकी वजीर कानून जाहिद हामिद की मुलाकात। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा कि नून लीग खत्म नबूवत के अकीदे पर गैर मुतजलजल ईमान रखती है। वफाकी हुकूमत ने कानून को असल शक्ल में बहाल करने के लिए एक्शन लिया। वफाकी हुकूमत अदलिया और फौज से लड़ रही है, वो इदारों से लड़कर क्या साबित करना चाहती है? डॉक्टर आसिम का सवाल। ये भी कहा कि हुकूमत सिर्फ नैब से नहीं लड़ रही, इसलिए कि नैब हुकूमत का इदारा है। वस्ती अमेरिका की 3 रियासतों कोस्टारिका, हिंड्रॉस, निकारुगा में समंदरी तूफान नैक के 22 शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। मरने वालों की तादाद 25 हो गए। लाखों बेघर तूफान अब अमरीकी रियासत लुजियाना की जानब बढ़ रहा है। अक्वामे मुत्तहिदा ने रखाइन में रोहिंग्या मुसलमानों पर मजालिम को नाकाबले कबूल करार दे दिया। अक्वामे मुत्तहिदा के हुकाम के मुताबिक बुद्ध अक्सरियत इलाकों में इमदादी तंजीमों पर अब भी रास्ते बंद हैं। सूरत हाल का जायजा लेने के लिए यूएनओ का वफ्द चंद रोज में इलाके का दौरा करेगा। लाहौर हाई कोर्ट के अहकाम पर पंजाब में मेडिकल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट दोबारा कराने के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। एंट्री टेस्ट 29 अक्टूबर को होगा। 13 शहरों में 28 इम्तिहानी मराकज फाइन। पर्चा आउट होने पर लाहौर हाई कोर्ट ने दोबारा इम्तिहान का हुक्म दिया था। लाहौर में अब थानों में मुकदमात की दरख्वास्त देने वालों के लिए साइल का लफ्ज इस्तेमाल नहीं होगा। मुकदमात के इंदराज के लिए दरख्वास्त कुनंदा या शहरी का लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा। DIG ऑपरेशंस कहते हैं साइल का लफ्ज इज्जत और तकरीम में इजाफे के लिए खत्म किया। साइल जो है
उसको पुलिस स्टेशंस में, पुलिस ऑफिसेज में यूज़ करने पे पाबंदी लगाई है। उसकी बजाय हमने पुलिस को ये डायरेक्शंस दी है कि पुलिस लफ्ज़ शहरी थाना कल्चर तब्दील करना है तो पुलिस अल्फाज के बजाय रवैये में तब्दीली लेकर आए अवाम का मौका। पैदाइश के वक्त माँ और बच्चे को मुनासिब तिब्बी सहूलियात मिले तो नौमौलूद जहनी फालिज से बच सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बच्ची में जहन के फालिज की बीमारी की शरह में इजाफे का इंकशाफ। हमारे पास अभी 9000 से ऊपर रजिस्टर्ड पेशेंट्स है रेगुलर हमारे, और ये रेशो इतनी स्पीड से बढ़ रही है ना, ये नंबर इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि आप जहनी फालिज से मुतालिक शऊर उजागर करने के लिए पेशावर में खुसूसी बच्चों के लिए मेले का इनेकाद, मैजिक शो और फेस पेंटिंग की गई। लाहौर में कस्टम्स का छापा, भारत से स्मगल किए गए 40 मेट्रिक टन टमाटर बरामद, मालियत 40 लाख रुपए है। भारत से टमाटरों की दरामद पर पाबंदी है। मियांवाली में वाटर सप्लाई स्कीम के मुलाजमीन तनख्वाह से महरूम, घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया। मुश्किल का शिकार मुलाजमीन ने लाहौर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। जिला काउंसिल मियांवाली 9 माह से 460 मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी रोक रखी है। गवर्नमेंट फंड भेजने के बावजूद जिला चेयरमैन जो है वो बदमाश बनकर बैठा हुआ है।